नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये हम एक कार्ड रिपेयर करेंगे। इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं क्या आ रही है। देखिए इसके अंदर हम जितनी बार भी एसी देते हैं तो उतनी बार ही देखिए इसकी डिस्प्ले जो है इस तरीके से जलती है और इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं आ रहा है, ना हमारा कार्ड ऑन हो रहा है। तो इसके अंदर देखिए दिक्कत क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर देखिए कार्ड के ऊपर पहले जो मैं जूम कर देता हूँ जो आपको एकदम बारीकी से दिखाई दे। तो देखिए मैंने कार्ड के ऊपर जो है जूम कर दिया है और यहाँ पर जो है देखिए मैं मल्टीमीटर को डीसी की रेंज में रख देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो हमारी देखिए मेमोरी आईसी लगी हुई है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर 3.3 वोल्ट आ रही है लेकिन जो इसकी इधर वाली पिन है वो यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसका ये जो बिंदु वाला निशान होता है वो बना हुआ है। तो देखिए इधर की साइड में इसके अंदर 3.3 आ रही है और इधर की साइड में नहीं आ रही है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे दोस्तों हम मेमोरी को चेंज। तब जाके हमें ये देखेंगे कि मेमोरी का ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है जब हमारी दोनों पिनों पे अगर 3.3 वोल्ट नहीं आएगी तो ये फॉल्ट मेमोरी आईसी का होता है या हमारी मैन आईसी का होता है। तो मैन आईसी तो दोस्तों जो है वो हमारी बहुत ना के बराबर ख़राब होती है। तो हम इसकी मेमोरी आईसी को चेंज करेंगे और फिर इसके अंदर देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों हम सबसे पहले ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर अभी भी डिस्प्ले इसी तरीके से आ रही है। तो इसकी मैं मेमोरी चेंज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी हमने जो मेमोरी आईसी है वो चेंज कर दी है और चेंज करने के बाद देखिए अब इस कार्ड को हम चलाते हैं, क्योंकि जो दोस्तों हमारी मेन आईसी है वो बहुत कम ख़राब होती है और जो हमारी ये जो हमारी मेमोरी आईसी है वो ज़्यादातर ख़राब निकलती है अगर इसके अंदर वोल्टेज नहीं शो करता है। सबसे पहले हम मेमोरी को ही चेंज करेंगे, उसके बाद हम मेन आईसी चेंज करेंगे। तो देखिए अब मैं कार्ड को ऑन करता हूँ। तो देखिए हमारा कार्ड बिल्कुल सही तरीके से ऑन हो गया है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर सिर्फ मेमोरी ही चेंज करी हमने, मेन आईसी का फॉल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है। ये देखिए जो हमारा कार्ड है वो सही हो गया है और मैं जूम करके एक बार जो है आपको इसकी वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ कि जो मेमोरी आईसी है हमारी वहाँ पर वोल्टेज जो है देखिए अब दोनों पर आ चुकी है, पहले सिर्फ एक ही पिन पर वोल्टेज आ रही थी इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने इस पर जूम कर दिया और ये मैं मीटर को देखिए यहाँ रख देता हूँ। तो आप देखिए इसके अंदर पहले जो है एक पिन पे वोल्टेज नहीं आ रही थी लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट आएगी और इस वाली पिन पे भी 3.3 वोल्ट आएगी। ये देखिए तो आपकी जो है दोनों ही पिनों पे इस समय वोल्टेज है और हमारा कार्ड जो है ऑन है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।